जमीन घोटाले मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद सोरेन कभी 5 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 13 जून को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने 27 मई को झारखंड हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। बता दें कि ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। हेमंत सोरेन पर 8.42 एकड़ जमीन घोटाले का आरोप है। ये फैसला जो है आ गया है कि हेमंत सोरेन जो हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के लीडर हैं उन्हें जमानत की सुविधा मिली है माननीय न्यायमूर्ति रंजन मुखोपाध्याय की अदालत से। ये सुनवाई 13 जून को ही पूरी कर ली गई थी। दोनों पक्षों को सुन करके इस पर फैसला सुरक्षित रखा गया था। आज वो फैसला आ गया है और उन्हें जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।